हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में भी बात की थी कि अभी सरकार के भी दिशा निर्देश है कि हमें ऑनलाइन क्लास डिलीवर करनी और हमें ऑनलाइन घर पर बैठकर सभी स्टूडेंट्स को क्या करना, अध्ययन करना घर पर ही। तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते आप अपने स्मार्टफोन की सहायता से ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। और हमने ये समांतर श्रेणी कक्षा 10 का चैप्टर लिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोरिंग चैप्टर, बोर्ड एग्जाम्स में इससे प्रॉब्लम ज़रूर बनती है 4-5 नंबर की। और ये उन दोनों इस क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो 9th से 10th में प्रमोट हो गए और जो 10th के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम जिसका बाकी, दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए हमने ये चैप्टर शुरू किया है। और इस चैप्टर में हमने एक एक्सरसाइज पिछली अपनी वीडियो में कवर कर ली 5.1 में। यदि आपने 5.1 वीडियो नहीं देखी, 5.1 वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को भी देख सके आसानी से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 5.2 चैप्टर की बात करेंगे और कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा ताकि हम 5.3 भी डाल लेंगे और फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे और अन्य चैप्टर जैसे प्रायिकता वगैरह वो सब पढ़ाएंगे हम। तो उन सब वीडियो को जैसे हम अपलोड करेंगे चैनल पर तो आपको पहले ही उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ़ोन में लाल रंग का एक बटन आ रहा होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टिक कर देंगे तो सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा। और फिर एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का, उसको आल पर टिक करना, आल को एक्टिव करना ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। तो हम समांतर श्रेणी के बारे में बात कर चुके थे पिछले वीडियो लेक्चर में भी कि वो श्रेणी जिसमें सार्वअंतर कैसा आता है, बराबर आता है। समांतर श्रेणी क्या होती है, इस फॉर्म में रहती है a + d, a + 2d, a + 3d, a + nd, ऐसे चलता है ये। ये स्टूडेंट्स मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये इसलिए लिखा है यहाँ पर, यदि कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं या सीधा व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं प्रॉब्लम, ताकि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। ओके, अच्छा, तो समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का n वा पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसको tn से रिप्रेजेंट करते हैं। tn इजिकल टू होता है a + n - 1 × d। ये एक फॉर्मूला, मात्र ये फॉर्मूला लर्न होगा तो हमारा काम बन जाएगा। a + n - 1 × d, इस फॉर्मूले को याद रख लो, इस फॉर्मूले पर बेस्ड पूरी चैप्टर हमारा 5.2, क्लियर है। और समांतर श्रेणी क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d। और पहचान क्या है समांतर श्रेणी की, अंतर बराबर होता है। सार्वअंतर कैसा होता है, बराबर होता है, उसको कोई हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं 5.2 चैप्टर की, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। एक्सरसाइज 5.2 तो 5.2 में जो हमें प्रॉब्लम दे रखी है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से देख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन दे रखे आपको, ए की वैल्यू दे रखी है हम, ए इजिकल टू दे रखे 7 और डी इजिकल टू दे रखे 3 और एन इजिकल टू दे रखे 8 और ए एन इजिकल टू उसमें लिख रखे ज्ञात करना, ए एन या टी एन एक ही बात है। तो ए एन या टी एन कैसे ज्ञात करें, ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है क्या, a + n - 1 × d। अब a का मान यहाँ से इसमें रखेंगे, a का मान कितना 7, 7 प्लस n का मान कितना 8, 8 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान 3 दे रखे हम, तो इसको हल करेंगे, 7 + 7, 8 + 7 = 7, 7 × 3 = 7 = 21, 21 + 7 = 28, तो an का मान कितना आएगा, 28 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको आसानी से हल किया, केवल a की फॉर्मूला लगा इसमें। और इस फॉर्मूले में देखो कितने टर्म, 1, 2, 3, 4 टर्म। प्रॉब्लम कैसे बनेगी, इन चार पदों में से कोई तीन पद दिए होंगे आपको, चौथा पद ज्ञात करना होगा,
बस हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, सवाल हमारा आसानी से हल हो जाएगा। मैंने एक लिया इसका फर्स्ट, और एक और ले लेते इसी में से, हम एक हम ले रहे, ये आपका थर्ड ले लेते, थर्ड सेकंड खुद कोशिश करके देखना, थर्ड ले लेते। थर्ड में क्या दे रखे, देखो ध्यान समझ लेना, ए का मान ज्ञात करना, ए का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान दे रखे माइनस तीन, डी इजिकल टू माइनस तीन, एन इजिकल टू 18 एंड ए एन इजिकल टू माइनस फाइव, ए एन इजिकल टू माइनस फाइव, ठीक ये दे रखे हम। अब हम ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते, ए एन इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का ए एन का मान लिख देंगे माइनस पाँच, ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस एन का मान कितना है 18 माइनस वन, और डी का मान कितना दे रखा है माइनस थ्री, फॉर्मूले में हमने मान रखे केवल अभी तक, ठीक है। तो कितना जगह माइनस फाइव इजिकल टू ए प्लस 18 में सब वन सब्सट्रैक्ट करेंगे 17, 17 को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 17 या 51, तो माइनस 51 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस 51, इस 51 को इधर ले आएंगे ये प्लस में हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा माइनस फाइव प्लस 51, 51 में से हम फाइव लेस करेंगे कम करेंगे कितना आ जाएगा 46, ए का मान कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा ए का मान, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमने पहले क्वेश्चन से ली, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, इसको नोट कर लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर टू हमारा ये, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य ज्ञात कीजिए। एपी 10-7-4 का तीसवा पद ज्ञात करना, का तीसवा पद, ठीक है। तीसवा पद कैसे ज्ञात करें, फॉर्मूले मान रखो वही tn का, tn इजिकल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, tn यानी तीसवा पद ज्ञात करना, n का मान कितना रखना 30, t30 इजिकल टू a, a का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना लिखा पहले स्थान पर क्या 10 है, 10 प्लस एन का मतलब तीसवा पद 30 माइनस एक, और डी का मान कितना दे रखा दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 7 में से 10 घटा दो, 7 में से 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री आएगा, कितना आ जाएगा माइनस थ्री, ठीक है। इसको अब हल करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा 29 गुना माइनस थ्री, इसकी माइनस करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 2 6 2 8 माइनस 87, 87 में से लेस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 77, कितना आ जाएगा माइनस 77, ये इसका आंसर है। तो इसमें ऑप्शंस में देख सकते हैं हम कितना, ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्या होगा लिख देंगे ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर तीन लेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर तीन, इसको नोट कर लेना आप। क्वेश्चन तीन में इन्होंने बॉक्सेस दे रखे, क्वेश्चन तीन फर्स्ट टू, फिर बॉक्स दे दिया खाली स्थान भरना, और फिर 26, ठीक। अब इसमें क्या आएगा ये हमें चेक करना है, देखो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कोई एक्स स्थान आ रहा है, कोई एक्स वैल्यू आ रही, तो एक्स वैल्यू आ रही तो इसमें से ये लेस करेंगे और इसमें से ये लेस करेंगे तो दोनों पद क्या आएगा आपस में बराबर आएंगे, हम यहाँ मानते क्या है एक्स, तो एक्स माइनस टू इजकल टू आगा 26 माइनस एक्स, ऐसे करेंगे इस पद में से ये पद घटाएंगे और इस पद में से ये पद घटाएंगे तो सार्वंतर आएगा, सार्वंतर कैसा होता है बराबर होता है मजा, ठीक है। अच्छा अब इसको हल करेंगे, एक्स को हम इस एक्स को इधर ले आएंगे, इस दो को उधर भेज देंगे, एक्स को इधर ले आएंगे तो ये एक्स इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2x, और 2 को उधर भेजेंगे 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 26 प्लस 2 कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा, तो x इजिकल टू आ जाएगा 28 अपॉन 2,
इजकल टू 14, तो यहाँ पर क्या आ गया 14, x का मान कितना आएगा 14। क्लियर बात, इस तरीके से हम ये खाली स्थान को हम भर पा रहे। अच्छा फिर सेकंड इसमें ऐसे ही दे रखा, सेकंड भी इन्होंने ये खाली स्थान दे दिया इसमें, फिर 13 और देन फिर खाली स्थान देन 3, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो ध्यान समझ लेना, यहाँ पर आता है a, यहाँ पर आता है a प्लस डी, यहाँ पर आता है a प्लस 2d और यहाँ पर आता है a प्लस 3d। ठीक है, तो हमें a प्लस डी का मान दे दिया, a प्लस डी का मान कितना दे दिया 13 और a प्लस 3d का मान भी दे दिया, कितना दे दिया 3 दे दिया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से a का और d का मान ज्ञात करेंगे। देखो माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे, a 2 ये d में से 3d लेस करेंगे तो माइनस 2d बच जाएगा, माइनस 2d इजकल टू 13 में से 3 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और आप ये d इजकल टू आ जाएगा 10 बाई माइनस 2 तो इजकल टू आ जाएगा माइनस 5, यानी d का मान कितना आ जाएगा माइनस 5 आ गया, d का मान कितना आ गया माइनस 5। ठीक, और d का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो a का निकल जाएगा, तो a माइनस 5 इजकल टू 13, तो a इजकल टू 13, ये 5 उधर प्लस में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, 13 और 5 18, a का मान कितना आ जाएगा 18, तो a का मान 18 आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 18, यहाँ पर a प्लस डी 13 आ जाएगा, और यहाँ पर a प्लस 2d, a प्लस 2d को हम हल कर देते हैं। यहाँ पर देखो a प्लस 2d, a का मान कितना आएगा 18 प्लस 2d का मान कितना आया माइनस 5, यानी 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 का टाइम कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, तो ये इसके आंसर है हमारे। ठीक है, इस प्रकार से हम ये खाली स्थान को आसानी से भर सकते हैं। क्लियर, यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए। एक प्रॉब्लम ये दे रखी है हमें, फोर्थ माइनस 4 और 4 स्थान खाली दिए, 1 2 3 4 5 और देन 6, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो यहाँ पर क्या रहता है a, यहाँ पर क्या रहता है a प्लस डी, यहाँ पर a प्लस 2d, यहाँ पर a प्लस 3d और यहाँ पर a प्लस 4d और यहाँ पर a प्लस 5d। क्लियर बात, अच्छा इट मीन्स हमें a की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू कितनी माइनस 4 और a प्लस 5d, a प्लस 5d की वैल्यू कितनी दे रखी 6, यहाँ पर a का मान रख देंगे, d का निकल जाए, a का मान कितना माइनस 4, माइनस 4 प्लस 5d इजकल टू आएगा 6, ये 4 को उधर भेज देंगे तो 5d इजकल टू आ जाएगा, 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस 4 इजकल टू आएगा 10 और d का वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आएगी यहाँ सर 10 बाई 5 इट मीन्स 2, d की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हम ये a प्लस डी का वैल्यू निकाले, a प्लस डी की वैल्यू कितने, a का मान कितना आएगा हमारे पास माइनस 4, डी का मान कितना आएगा हमारे पास 2, कितना आएगा 2, तो इजकल टू आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 2, a प्लस डी का मान, a प्लस 2d का मान कैसे निकला a प्लस 2d, a का मान कितना माइनस 4 प्लस 2d का मान 2, यानी माइनस 4 प्लस 4 इजकल टू 0, ये 0 आ गया। अब a प्लस 3d निकाल लो, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी भाई हमारे पास माइनस 4 प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 2, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस 2 आएगा ये। इसी प्रकार निकालेंगे a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी माइनस 4 प्लस 4d का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस 4 प्लस 8 इजकल टू कितना आ जाएगा 4, तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया a प्लस डी, एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये और एक आंसर ये, इस तरह से हम आंसर आसानी से अटैम्प्ट कर पा रहे। ठीक है, इसको भी नोट करो ध्यान से। ठीक है, अच्छा अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे एपी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने तीन और दो प्रॉब्लम छोड़ दी, उनको आप खुद कोशिश करना हल करने की। ए पी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है,
का कौन सा पद 78 है, ठीक। यानी n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इट मीन्स देखो क्या क्या चीज दिया है वो लिख लो पहले। a का मान दे दिया हमें, कितना दे दिया, a इजकल टू थ्री और d इजकल टू 8 माइनस थ्री। दूसरे पद में से पहला पद घटा कितना बचेगा, 5। अच्छा कौन सा पद, यानी n इजकल टू हमें ज्ञात करना और an का वैल्यू हमें दे दी 78। an की वैल्यू कितनी थी, 78। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, क्या होगा हमारा, an इजकल टू आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए इज एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया, 78। ये हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 78। ए की वैल्यू कितनी, 3 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दे दिया हमें, 5। कितना दे दिया, 5। अच्छा अब इस 3 को इधर ले आओगे तो 78 माइनस 3 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 5। तो 78 में 3 कटाओगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 इजकल टू आ जाएगा एन माइनस वन इंटू 5। तो एन माइनस वन इजकल टू आ जाएगा हमारा 75 अपॉन 5। तो 15 × 75 तो कितना आ जाएगा, 15। इसको हम भाग करेंगे 5 से 75 को, तो 15 × 75 होता है। और एन माइनस वन इजकल टू 15, तो एन इजकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n इजकल टू आ जाएगा 16। n की वैल्यू कितनी आएगी, 16। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से नोट करना, और यदि ये वास्तव में आपके लिए लाभदायक रही है तो आप कमेंट भी करना कि हमें वीडियो अच्छी लगी। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, यानी एल की वैल्यू एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखो फॉर्मूला एक ही है, इसमें जो पद हम ज्ञात है पहले उनको लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है, 7। डी की वैल्यू कितनी है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 13 माइनस 7 इजकल टू कितना आएगा, 6। और भाई टी ए एन या टी एन की वैल्यू कितनी दी, 205। और एन की वैल्यू हमें क्या करनी, ज्ञात करनी, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला हमारा, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। ए एन का मान कितना दिया, 205। ए का मान कितना दिया, 7। प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया, 6। 7 को इधर ले आएंगे इसको, तो 7 को जब इधर ले आएंगे हम, सॉरी 205 माइनस 7 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 6, ठीक। इसमें से ये लेस करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 7 लेस करेंगे 188 इजकल टू आ जाएगा एन माइनस वन इंटू 6। तो n माइनस वन इजकल टू आ जाएगा हमारा 188 अपॉन 6। तो 6 × 18, इसको हम इसमें से लेस करेंगे, 6 × 1 ये हम इसमें से लेस करके हम देखते हैं, 7 लेस करेंगे तो 188 आएगा, ठीक है। हाँ, और ये हमारा 13, ये ठीक है, 188। अच्छा 6 × 18 कितने बच गए, 8, और 6 × 6 = 18 लगभग इतना आ रहा है n माइनस वन, एन माइनस वन इज को 13 1.3 समथिंग आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, निम्न की समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है,
प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, जरा आप इसको नोट करना यहाँ तक। तो इसको जैसे हम सोल्व कर रहे थे, थोड़ा सा ये सब्सट्रैक्ट करने में थोड़ी ये मिस्टेक होगी, 198 हो जाएगा हमारा, 198। और 198 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 198 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 33। कितना आ जाएगा? 33, 33। और n की वैल्यू ये 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 34। कितना आ जाएगा? 34। थोड़ा ये कैलकुलेशन चेक करना था, ये यहाँ मिस्टेक हो गई थी, 188 आएगा, जबकि 198 था ये। 198 के हिसाब से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 18 और 18 और कितना बच जाएगा, 1, तो 6 18 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब n की वैल्यू कितनी आएगी? 34। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, और इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये हमारा चैप्टर का ये 5.2 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और यानी और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर, दो वीडियो में यानी 3 वीडियो में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और टोटल 5 वीडियो में समांतर श्रेणी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, धन्यवाद।